जय सियाराम, जय हनुमान। स्वागत है आपका आपके अपने श्री राम जी के YouTube चैनल साधना मार्ग में। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि जब राम नाम के जाप की दैवीय शक्ति राम नाम जापक के अंदर जागृत होती है तो उसको यह 6 बातें महसूस होना शुरू हो जाती हैं। ये उन्हीं साधकों को होती हैं जो नियमित राम नाम का जाप करते हैं और वह भगवान श्री राम जी के अनन्य भक्त हैं और नाम जाप में उनकी रुचि है, भगवान के प्रति जिनकी अनन्य श्रद्धा भाव है, उनको यह अनुभव और यह बातें उनके साथ होती हैं। आप ज्यादातर देखते होंगे कि आपके घर में या फिर आपके परिवार में या आपके साथ जब आप राम नाम का जाप करते हैं उस समय कुछ गलत होना शुरू हो जाता है। आपके परिवार में कोई संकट आ जाता है, कोई परेशानी आती है, वह आपको उस जाप को छुड़ाने की कोशिश करती है। ये सब नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। जैसे जैसे ही आप राम नाम का जाप करने लग जाते हैं वैसे वैसे ही आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है। आप जिस जगह पर भी जाते हैं वहां का माहौल भी सकारात्मक होने लग जाता है। और अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो अगर आप अपने घर में जाते हैं तो आपके घर का माहौल भी सकारात्मक होना शुरू हो जाता है। जिस तरह से आपने देखा होगा कोई परेशानी होती है, कोई पीड़ा होती है, वो जैसे जैसे ठीक होने को आती है वैसे वैसे वह अपनी प्रबल अवस्था में आ जाती है। इसी तरह से जैसे जैसे आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है उस सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से जब आपके घर की नेगेटिविटी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है तो आपके घर में थोड़े बहुत हलचल आपको महसूस हो सकती है। जो सबसे पहली बात होती है वह यह होती है कि जिसके अंदर दैवीय शक्ति राम नाम की जागृत होती है उसका हृदय एकदम पवित्र होने लग जाता है। उसका हृदय हर दम भाव से भावित रहता है। जहां पर भी कहीं पर भी वह श्री राम जी की मूर्ति देखता है उसके नेत्रों में से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। वह किसी पर भी थोड़ा सा भी कष्ट उसे महसूस नहीं हो पाता है, चाहे वह उसका दुश्मन ही क्यों ना हो। जब उसका हृदय अंतःकरण पवित्र हो जाता है तो उसके अंदर यह दैवीयता आने लग जाती है। जो दूसरी बात होती है वह यह होती है कि जिस किसी साधक के अंदर दैवीय शक्ति का प्रभाव आने लग जाता है तो उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और उसकी जो सोचने की शक्ति है वह बढ़ जाती है। सोचने की शक्ति सकारात्मक हो जाती है। जो वह करना चाहता है वह उसके लिए सही है या गलत है वह उसको मालूम होना शुरू हो जाता है। कौन सा इंसान गलत है, कौन सा इंसान सही है, वह उनके पास में उनकी बातों से उसको यह पता होना शुरू हो जाता है और उसके सोचने की शक्ति निर्णायक क्षमता बढ़ जाती है और वह एक सही फैसला लेने शुरू कर देता है। आपका एक सही फैसला आपके जीवन को बना सकता है और आपका एक गलत फैसला आपके पूरे जीवन को तबाह बर्बाद कर सकता है। जो तीसरी बात होती है वह यह होती है कि जैसे ही वह राम नाम के जाप पर बैठते हैं 20 से 25 मिनट का समय होता है वैसे उनके शरीर में कंपन होना शुरू हो जाता है। उनके शरीर में ऐसा उनको लगता है कि उनका शरीर अपने आप कांप रहा है। उनके अंदर एक ऐसी ऊर्जा शक्ति का संचार होता है जो लगता है कि वह औरों से अलग उसके साथ घटित हो रहा है। उसकी जो कुंडलिनी शक्ति है वह धीरे धीरे जागृत होने लग जाती है और उसके अंदर दैवीय शक्तियां आना शुरू हो जाती है। जो तीसरी और इसके बाद जो चौथी बात होती है वह यह होती है कि उसका नाम जाप में भगवान के ध्यान में, भगवान की पूजा में, भगवान के सत्संग में, भगवान के स्वरूप ध्यान में मन लगने लग जाता है। संतों की सेवा करने का मन चलता है और उसके लिए यह संसार उसे सूना लगने लग जाता है और भगवान ही उसे सत्य लगने लग जाते हैं। संसार का जो असल है वह उसके सामने आने लग जाता है। पांचवी बात जो उसके साथ होती है वह यह होती है कि उसके जीवन में जो परेशानियां चल रही होती हैं, जैसे कि कोई केस
उसके साथ चल रहा है, या फिर उसके परिवार में कलह है, या फिर कोई ऐसी परेशानी जिसका समाधान लंबे समय तक नहीं हो पा रहा था, उस शक्ति के जरिए, उस दैवीयता के जरिए उस चीज का समाधान होने लग जाता है, उस चीज के उसे समाधान मिलना शुरू हो जाते हैं, उसके सारे कार्य मंगलमय होने लग जाते हैं। जो पांचवी बात होती है वह यह होती है कि जो दैवीय शक्तियां प्राप्त कर लेता है उसके लिए फिर यह संसार एक दैवीय रूप ले लेता है। वह जिस किसी भी वस्तु को, जिस किसी भी प्राकृतिक वस्तु को देखता है, उस वस्तु के प्रति उसके अंदर जो उसका गूढ़ रहस्य है वह उसे समझ में आने लग जाता है, गूढ़ रहस्य को वो जानने लग जाता है और उसका क्या उपयोग है, उसे क्या हो सकता है, ऐसी ऐसी बातें उसके मन मस्तिष्क पे छाने लग जाती हैं जो कि उसने कभी ना सुनी थी, ना देखी थी, ना महसूस की थी। ऐसी ऐसे विचार भाव उसके अंदर अपने आप जागृत हो जाते हैं जब उसके अंदर देवी शक्ति राम नाम के जाप की जागृत होती है। जो छठवीं बात होती है वह यह होती है कि उसका एकांत सेवन करने का मन करने लगता है, यानी कि उसे ऐसा लगने लगता है कि बस मेरे लिए एकांत स्थल हो, एकांत जगह पर बैठकर मैं भजन ध्यान पूजा पाठ करूं, मुझको कोई रोकने वाला टोकने वाला ना हो। और उसका समय पता नहीं कब निकल जाता है, 2 घंटे 4 घंटे वह जाप पे बैठ जाए तो उसको पता नहीं चलता कि समय कब निकल गया। ये सब बातें उसके अंदर जब होती हैं, जब उसके अंदर राम नाम के जाप की दैवीय शक्तियां जागृत होना शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर भी यह परिवर्तन आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको भी दैवीय शक्ति प्राप्त हो गई है और श्री राम जी की कृपा आपको मिल गई है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय सियाराम, जय।